केरल के वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने से हुई तबाही पर रियासत में दो रोजा सूख, 160 से ज्यादा अफराद की मौत। फौज की मदद से राहत और बचाव का काम जारी, कई रियासतों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। वजीर आला पी विजयन ने की जायजा मीटिंग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से बीजेपी का सवाल, अगर जात पूछना तौहीन है तो मुल्क में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कैसे कराएंगे। जात पर मबनी सर्वे के कांग्रेस के मुतालबे पर बीजेपी का हमला। एमपी संबित मात्रा ने कहा कि जब अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम लिए बगैर बात की तो सिर्फ एक शख्स को क्यों लगा बुरा। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर हाई कोर्ट ने अपना सख्त रुख। अदालत ने पूछा कि एमसीडी हुकाम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। अदालत ने दिल्ली के फरेबी कल्चर पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारत और वियतनाम के दरमियान हवाई अड्डा और रसद समेत कई अहम मुहायदों पर हुए दस्तखत। अहमदाबाद और दानांग के दरमियान बराए रास्त परवाज को मिली मंजूरी। भारत के दौरे पर आए हुए वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म फाम मिन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में हो रहा है इजाफा। इसराइल ने 24 घंटों में अपने दो दुश्मनों का किया खात्मा। बैरूत हमले में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फवाद शकूर, जबकि तेहरान में हमास के सरबरा इस्माइल हानिया भी मारे गए। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन से अच्छी खबर, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने अपने अपने मैच जीतकर आखिरी 16 में बनाई जगह। निशानेबाजी में स्वप्निल ने मर्दों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। केरल के वायनाड जिले में कल सुबह पानी से हुई तबाही से पूरा मुल्क सदमे में है। इस वाकये के हवाले से केरल में दो रोजा शोक का ऐलान किया गया है। सैलाब से मुतासरा तीन देहात के लोगों की तलाश की जा रही है। हलाकतों की तादाद हर लम्हा बढ़ती जा रही है। इस वाकये में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वायनाड केरला का एक पहाड़ी जिला है। यहाँ के विथिरी तालुका में तूफानी बारिश के दरमियान चंद ही घंटों के अंदर दो मिट्टी के तोदे गिरने से तीन गांव जमीन दोस हो गए। पानी का सैलाब लोगों को बहा कर ले गया। सरहदी जिला मलप्पुरम के पुथुकल्लू इलाके के करीब चलियार नदी से 25 मस्कशुदा आजा बरामद हुए हैं और वायनाड के चुरुलमाला से 4 मस्कशुदा आजा बरामद हुए हैं। वहीं केरल के वायनाड में खौफनाक आफत के बारे में वजीर आला पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। वजीर आला पिनराई विजयन का कहना है कि रियासती और मरकजी फोर्सेज की जानिब से मुंडकई, चुरुलमाला और अट्टामाला में शिद्दत के साथ बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला विजयन ने कहा है कि इरुवाणी पुज्जा तक फैला हुआ चुरुलमाला पुल लैंडस्लाइडिंग के दौरान तबाह हो गया। लैंडस्लाइडिंग से बच जाने वाले सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने केरल के वायनाड स्लाइडिंग पर पार्लियामेंट में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि 23 जुलाई को मरकजी हुकूमत ने केरल हुकूमत को पेश की वार्निंग दी थी, जिसमें वहां संगीन सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया था, जिसे केरल हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। वजीर दाखला ने कहा कि मुल्क में अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत वाकयात के असरात से जानोमाल के नुकसान को कम करने में कामयाबी मिली है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को
मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है। मान्यवर 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। और केरल के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी वेनु ने कहा है कि आज वायनाड के मुंडकई और बलाई इलाकों में जिंदा बच जाने वालों और लाशों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। टेरिटोरियल आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और नेवी के 1200 सिपाही तलाशी के काम में लगे हुए हैं। 128 लाशें निकाली जा चुकी हैं। अस्पताल में 91 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और 63 लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। Situation was reviewed. Today is important because after yesterday we managed to establish a connection to the other side. Today a large contingent of rescue workers are currently fanning across the Mundakkai and upper regions in order to search for survivors and also to recover bodies. The situation as of 11 o'clock today, confirmed figures are like this. The total number of bodies that we have recovered is 128. We are told that this does not include a few bodies that are being recovered in the last 1 hour. So out of this, 91 bodies have been taken to the hospital. All the 91 bodies have, the postmortem has been completed. 73 bodies have been released, have been identified, and 63 bodies have been released. The procedures are being वहीं केरल के वायनाड के चुरुलमाला इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बाद लोगों को निकालने का काम जारी है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे नीरज सिंह ने फौज और एनडीआरएफ के जवानों के जरिए चलाई जा रही बचाव मुहिम का जायजा लिया। इस समय हम वायनाड में उस जगह पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वायनाड का ये जो इलाका जो डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर एक पहले ब्रिज हुआ करता था और उस ब्रिज से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाते थे, लेकिन ये जो ब्रिज है वो डिस्कनेक्ट हो गया जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट के साथ पहुँची है और यहाँ पर एक अस्थायी जो ब्रिज है उसे बनाने का जो काम है वो चल रहा है। मेरे सामने अगर हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे तो वहाँ देखें तो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद पानी का बहाव जो तेज़ी के साथ आया था उसमें जो लोग हैं कहीं कोई डेड बॉडी तो वहाँ नहीं है, तो उसको देखने के लिए वहाँ पर आप देखें कि जाल लगाकर जो एनडीआरएफ और रेस्क्यू की जो टीम है वो वहाँ पर जो सर्च है वो कर रही है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ से जो आपको ये इलाका जो दिखाई दे रहा है खासतौर से जो ट्री जो गार्डन है उसके बाद वाला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ था और वहीं से आप देखें जो डेड बॉडी है वो लगातार निकल रही हैं। रोपवे करके जो कनेक्ट है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया है ताकि जो डेड बॉडी हैं उनको लाया जा सके। और इस समय अगर आप देखें कि एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रेस्क्यू की गई है एनडीआरएफ के द्वारा और उस डेड बॉडी को रोपवे के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो चुनौतियां हैं वो यहां पर बनी हुई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा सा ठीक रहा है। सुबह ज़रूर बारिश हुई थी लेकिन इस समय बारिश रुकी हुई है। मौसम भी थोड़ा सा खुला दिखाई दे रहा है, हल्की हल्की जो धूप है वो भी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। मौसम की चुनौतियां अलग तरीके से बनी हुई हैं क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित हो सकता है। और इस तरह से आप देखें लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, एक डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है और ये एक्सक्लूसिव ये विजुअल हम दूरदर्शन पर तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह,
डीडी न्यूज वायनाड। वहीं राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुरेंद्र सिंह नगर ने वायनाड वाकये पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड से रुकन पार्लियामेंट रहते, अगर वजीर आजम के सामने वहां का मसला उठाते तो 143 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जब वायनाड की जनता को कंटिन्यू नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ऑनरेबल मेंबर कंटिन्यू, बेहतर होता कि उन 5 वर्षों में सांसद रहते हुए जो वायनाड की कमियां थी, पूरे देश के बारे में तो उन्होंने घूम घूम कर अन्य बातें की, लेकिन वायनाड की जनता की जो समस्या थी उसको सदन में उठाने का काम करते, प्रधानमंत्री जी से मिलते तो इन 143 जानों को बचाया जा सकता था। एक जनप्रतिनिधि जिस वायनाड की जनता ने इस विश्वास के साथ एक सांसद को चुनकर बेचा कि हमारे सुख और दुख में जब कोई घटना होगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, वहां से इस्तीफा देकर भागने का तो काम किया, लेकिन आज इस दुखद समय में वायनाड की जनता के बीच इतनी 3 दिन की घटना होने के बाद उन्होंने जाने का भी काम नहीं किया। और बीजेपी के बजट बनाने वाले उहदेदारों में ओबीसी अफसरान की शमूलियत से मुतालिक राहुल गांधी के इल्ज़ाम की सख्त मुखालिफत की है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस को कठेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिस नहीं होने दिया। अगर मंडल कमीशन और काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशात पर अमल होता तो आज ओबीसी आला उहदे पर फाइज होते। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजू गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है, तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमेटी को इन्होंने स्वीकारते हैं तो आज के स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। और पार्लिमानी मूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस जात पात के नाम पर मुल्क को कमजोर करके अनारकी और तशद्दुद फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वक्त जात पात की बात करती रहती है लेकिन उसके लीडर से जात नहीं पूछ सकते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने जात के नाम पर मुल्क और फौज के हौसले को तोड़ने का काम किया है। वहीं बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने जात पात के मामले पर राहुल गांधी और इंडी इत्तेहाद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इंडी इत्तेहाद में जात पात के हवाले से पॉलिसी वाज़े नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी रियासतों में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराने की वकालत करते हैं लेकिन उन्हें जात के बारे में पूछने पर एतराज है। हमें लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर विपक्ष आपस में ही अपनी ही बातों में एक दूसरे को काटता हुआ नजर आ रहा है। आप बड़े गौर से कहते थे बिहार में मैंने करवा दिया, तो तेजस्वी यादव जी बयान दें कि इनके कहने पे करवाया था कि नीतीश कुमार जी की सरकार में उनके कहने पे हुआ था, और हिमाचल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए, कर्नाटक में हुआ रखा है वो सर्वे, तब आप बताइए। तो इसलिए हमें लगता है उनके लिए एक ही लाइन लागू होती है, आपके स्वर्गीय पिताजी इसी सदन में खड़े होकर, जो अनुराग जी ने कहा,
फ्लोर ऑफ द हाउस पे मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ सितंबर 1990 मंडल कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है और कांग्रेस का नारा है जात पे ना पात पे, मुहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा जी की जमाने में कांग्रेस का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे, और अब राहुल गांधी जी आए हैं जो पुरखों की बात को रख के लात पे और पार्टी ले आए फुटपाथ पे। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने जात पात के बयान पर कांग्रेस के हंगामे पर शदीद रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जात पात की मर्दमशुमारी कराना चाहते हैं लेकिन ऐवान के अंदर जात पात के बारे में पूछने पर एतराज करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी वजीर आजम की जात पर तबसरा कर सकते हैं लेकिन उनकी जात कोई नहीं पूछ सकता। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? अब सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलचित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। मैं राज्यसभा में एनटीए के जरिए दाखला इम्तिहान के गलत इनकास से मुतालिक सवालात के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुतवस्सित तबके की तवक्कात बढ़ गई हैं और इससे तालीम के जरिए मुसाबकती माहौल में आगे बढ़ने के तस्वुर में भी बेहतरी आई है। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपियर किए, सफलता के साथ अपियर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशन में उनके एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है। ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा, आज देश की जो युवाओं की विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है न्यू मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं, ये सबके मन में प्रायोरिटी है आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है। और पार्लियामेंट हाउस के अहाते के संविधान सदन में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की जनरल मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। मीटिंग से पहले वायनाड लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन के लिए खामोशी अख्तियार की गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे से मुतालिक अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में जुमे को दोपहर 2:30 बजे दोबारा समाअत होगी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी फरीक बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने अथॉरिटी से कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में भूख हड़ताल पर बैठे तलबा को पुलिस ने वहां से हटा दिया है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 तालिबे इल्मों की मौत के बाद तलबा में काफी गम गुस्सा है। ईडी ने हिमाचल के ऊना से कांगड़ा तक कांग्रेस लीडरों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ऊना के बांके बिहारी हेल्थ केयर अस्पताल में सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है। अस्पताल के मालियाती लेन देन में बेजाब्तगियों के अलावा आयुष्मान भारत स्कीम में बेजाब्तगियों की इत्तला मिलने के बाद ईडी ये कार्रवाई कर रही है और इसके अलावा अस्पताल इंतजामिया से वाबस्ता अफराद के बाहर निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा ईडी ने नगरोटा से कांग्रेस एमएलए आरएस बाली और कांग्रेस के रियासती खजांची और सीएमके के नज़दीकी माने जाने वाले राजेश शर्मा के घर पर भी छापे मारा है और ईडी ने कांग्रेस लीडर आरएस बाली के फोर्टिस अस्पताल और कांगड़ा में राजेश शर्मा के बालाजी अस्पताल पर भी छापा मारा है। इसके अलावा कांगड़ा के कई दीगर प्राइवेट अस्पतालों पर भी छापे मारे गए हैं। ईडी ने शिमला, मंडी और कुल्लू के कई इलाकों में भी छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई है और लोग कुछ और छापों की तवक्को कर रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के हवाले से दिल्ली हुकूमत की वजीर और आप लीडर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली हुकूमत कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाएगी और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी ने
इसी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की है। जिम्मेदार जेई को एमसीडी से बर्खास्त कर दिया गया है और जैसे ही मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी और इन अफसरान के अलावा कोई और अफसर मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। दिल्ली शराब घपला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद वजीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती हिरासत में एक बार फिर से तौसी कर दी है। अदालत ने सीबीआई से मुतालिक मामले में उनकी अदालती तहवील में 13 अगस्त तक की तौसी कर दी है। बुध को समाअत के दौरान तीनों रहनुमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि केजरीवाल की अदालती हिरासत की मुद्दत सिर्फ सीबीआई केस में बढ़ाई गई है और उन्हें ईडी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में 94 गैर तस्लीम शुदा मदारिस बंद किए जाएंगे। इन मदारिस में ज़ेर तालीम तकरीबन 2000 तलबा को कौंसिल और सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने जिला मजिस्ट्रेट को एक खत भेजकर कौंसिल स्कूलों में गैर तस्लीम शुदा मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को दाखिला देने की हिदायत दी थी। और स्टेटस सर्वे कमिश्नर वफ बोर्ड अलीगढ़ निधि गोस्वामी ने कहा है कि इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसमें तमाम एसडीएम, बीएसए, पुलिस के सभी सर्कुलर अफसर और जिला अकलती बहबूद के अफसरान को शामिल किया जाएगा। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी, संबंधित तहसील के सीओ, एसडीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। हुकूमत ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन का ऐलान कर दिया है। 1983 बैच की आईएएस अफसर प्रीति सुडान को नया चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रीति सुदन की तकरीरी यकुम अगस्त से अमल में आएगी। ये ओहदा मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। प्रीति साबिक मरकजी सेहत सेक्रेटरी रह चुकी हैं। वो 2022 से यूपीएससी की रुकन हैं। प्रीति आंध्र प्रदेश कैडर की रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। वो फूड प्रोसेसिंग और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रह चुकी हैं और इसके अलावा वो ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे और वजारत दिफा में भी काम कर चुकी हैं। मई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 के लिए महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की आरजी उम्मीदवारी को मंसूब कर दिया है। उन्हें यूपीएससी के तमाम इम्तिहानात से मुतालिक मुस्तकिल तौर पर रोक दिया गया है। कमीशन ने सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 में धोखाधड़ी से फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम पर 18 जुलाई को पूजा खेडकर को वजह बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब तलब किया था। उनसे 30 जुलाई को 3:30 बजे तक जवाब देने को कहा गया है, लेकिन पूजा खेडकर ने मुकर्रर मुद्दत में फ्रॉड के मामले में कोई वजाहत नहीं की, लिहाजा उनकी उम्मीदवारी की मनसूखी के साथ ही उन्हें मुस्तकबिल के यूपीएससी इम्तिहानात में शिरकत से रोक दिया गया है। पूजा खेडकर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना और अपने वालिदैन का नाम बदलकर इजाज़त से ज़्यादा मरतबा सिविल सर्विस के इम्तिहान में शिरकत की। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय वफ से मुलाकात की और इस दौरान भारत और वियतनाम के दरमियान कई मुहायदों पर दस्तखत किए गए। वियतनाम के वजीर आजम ने कहा है कि 5 दहाइयों के बाद बाहमी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं। भारतीय वफ से मुलाकात इक्तसादी और तिजारती तआवुन का एक मजबूत सुतून बन गई है। गुज़िश्ता बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत में इजाफा हो रहा है
और वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बहुत अहम शराकतदार है। और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक धमाके में मारे गए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बयान में तेहरान में हमास के सरकर्दा रहनुमा इस्माइल हानिया कत्ल की तस्दीक की है। ईरान के नए सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए हानिया ईरान गए थे। बयान में कहा गया है कि उन्हें और एक ईरानी सिक्योरिटी गार्ड को उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। फिलहाल वाकये की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। कबल अज़ीम मंगल को ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामनाई ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। इस्लामी ग्रुप ने इस्माइल हानिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है और इसके अलावा ईरान ने इस कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम अल अक्सा टीवी ने हमास के सीनियर उहदेदार मूसा अबू मरजूक के हवाले से कहा है कि ईरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुजदिलाना फाल है जिसकी जरूर सजा दी जाएगी। इसराइल ने बैरूत हमले में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फवाद शकूर को हलाक कर दिया है और राइटर्स के मुताबिक इस हमले में 3 शहरी भी मारे गए हैं। हिजबुल्ला की जानिब से ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इसराइली फौज का हदफ हिजबुल्ला का कमांडर फवाद शुक्र उफ्र सैयद मोहसन था जिसने गुलान की पहाड़ियों में हमले में 12 बच्चों को हलाक कर दिया था। इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करके 12 बेगुनाह अफराद की हलाकत का बदला लिया है। दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल्ला ने गुलान हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है लेकिन कहा है कि इस ग्रुप ने गुलान की पहाड़ियों में एक फौजी हदफ पर रॉकेट फायर किए हैं। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। सिंधु ने एस्टोनिया की क्रिस्टन कोबा को 5-21-21-10 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने आलमी नंबर 3 इंडोनेशिया की जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेम्स में 21-18 और 21-12 से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही लक्ष्य प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।